Good morning, class 10th students. This is Naresh Sharma, your English teacher. Today I am going to take the second part of chapter 7, Glimpses of India, from your textbook First Flight. In my previous recording, I already taken up this chapter, A Beggar from Goa. Now the second part is Kor, written by Lokesh Aprol. Okay. Now let us take Kor is a coffee country famous for its rainforest and spices. Dakshin Bharat mein Kor jo hai coffee ke desh ke naam se jana jata hai, right? Aur ye iske वर्षा के जंगलों और मसालों के लिए प्रसिद्ध है. मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर सिट्स ए पीस ऑफ हेवन दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड. ड्रिफ्टेड फ्रॉम मीन्स बीन कैरिड अलोंग जेंटली बाय एयर. तो मैसूर और मैंगलोर के तटीय कस्बे के बीच मध्य रास्ते में स्थित है एक स्वर्ग के समान स्थान, जिसके बारे में कहा जाता है कि हवा के द्वारा स्वर्ग से इस स्थान को लाया गया हो. यानी कि दिस प्लेस वाज ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड, भगवान के राज्य से इस स्थान को हवा के द्वारा अपने साथ बहाकर लाया गया हो. ऐसा सुंदर रमणीय स्थान जो है मैंगलोर के तटीय कस्बे और मैसूर के मध्य स्थित है. दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स इज इनहेबिटेड बाय अ प्राउड रेस ऑफ मार्शल मैन. मार्शल मीन्स हैविंग टू डू विद वॉर, युद्ध कला में निपुण लोग. ओके. तो दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स, ये पहाड़ी क्षेत्र आबाद है एक युद्ध कला में निपुण लोगों के समुदाय से. ब्यूटिफुल वुमेन एंड वाइल्ड क्रिएचर, और साथ ही सुंदर महिलाएं और विभिन्न प्रकार के वन्य जीव यहाँ पर पाए जाते हैं. मार्शल मीन्स हैविंग टू डू विद वॉर. कुर्ग और कोडागू, the smallest district of Karnataka, is the home to evergreen rainforest, spices and coffee plantations. Kurg aur Kodagu, jo ki Karnataka ka sabse chota jila hai, wo sada bahar varsha ke vanon ka, masale utpadan ka aur coffee ki paidawar करने वाले क्षेत्र के रूप में अपनी पहचान रखता है. एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट. सदाबहार वर्षा वाले जंगल जो है वो इस जिले के लगभग 30% भाग में फैले हुए हैं. ड्यूरिंग द मानसून इट पोर्स डाउन इनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे. मानसून के दौरान यहाँ पर इतनी वर्षा होती है कि सामान्यतः बहुत से जो पर्यटक हैं, आगंतुक या भ्रमण करने वाले लोग हैं, वो इस स्थान से दूर रहते हैं अत्यधिक बारिश होने के कारण. द सीजन ऑफ जॉय कमेंस फ्रॉम सेप्टेम्बर एंड कंटिन्यूस टिल मार्च. तो इस क्षेत्र में जो है एक आनंद का मौसम प्रारंभ होता है सितंबर से लेके मार्च तक के महीनों में. द वेदर इज़ परफेक्ट विद सम शावर थ्रॉन इन फॉर गुड मेजर. यहाँ का मौसम अपने आप में संपूर्ण है. यहाँ पर जो है अच्छी मात्रा में थोड़ी बहुत बारिश वगैरह भी जो पर्याप्त रूप से होती रहती है. The air breeze of
invigorating coffee. Invigorating means having fragrance, एक बिनी बिनी खुशबू या गंध. तो यहाँ की हवा में जो है सुगंधित कॉफ़ी की खुशबू आती रहती है. कॉफ़ी स्टेट्स एंड कॉलोनियल बेंगलोर स्टैंड टग्ड अंडर ट्री कैनोपीज इन प्राइम कॉर्नर्स. तो कॉफ़ी के बड़े बड़े बागान यहाँ पर और जो कॉफ़ी प्लांटेशन में काम करने वाले जो अधिकारी के बंगले वगैरह वहाँ पर स्थित हैं. और यहाँ स्टैंड टग, तो ये बंगले जो है वहाँ पर दे आर ऑल स्टक देयर अंडर द बेस्ट नेचुरल सराउंडिंग्स. द फियर्सली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ गो आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरेबिक डिसेंट. निडर स्वतंत्र रहने वाले कॉर्क लोग हैं. ये संभवतया यूनानी या अरबी लोगों के वंशज हैं. एज वन स्टोरी गोज ए पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी मूव्ड साउथ अलोंग द कोस्ट एंड सेटल हियर व्हेन रिटर्न बिकेम इनप्रैक्टिकल. एक कहानी के अनुसार ये लोग अलेक्जेंडर की सेना के यानी कि सिकंदर महान की सेना के सैनिक थे जो दक्षिण भारत की तरफ युद्ध करने के लिए आगे बढ़े समुद्र तटीय इलाकों की तरफ, राइट. और वो वहीं पर जाकर बस गए. व्हेन रिटर्न बिकम इम्प्रैक्टिकेबल, जब इनका लौटना यहाँ पर अप्रासंगिक बन गया, ये किसी विषम परिस्थितियों के कारण लौट नहीं पाए. दीज पीपल मैरिड अमंग द लोकल्स एंड देयर कल्चर इज एपरेंट इन मार्शल ट्रेडिशन. तो इन लोगों ने, इन सैनिकों ने वहाँ की स्थानीय महिलाओं से शादी कर ली और उनकी जो संस्कृति विकसित हुई वो स्पष्ट रूप से जो है युद्ध कला में निपुण लोगों की एक परंपरा के रूप में विकसित हुई. मैरिज एंड रिलीजियस राइट्स विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिंदू मैन स्ट्रीम. तो इनमें शादी के रीति रिवाज और धार्मिक रीति रिवाज बिल्कुल भिन्न थे मुख्य हिंदू विचारधाराओं के लोगों से. द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन ड्रॉ सपोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक कॉक विद एन एम्ब्रॉयड वेस्ट बैट वॉन बाय द कोडाबूज. ये अरब लोगों से संबंधित होने की जो थ्योरी है इन कुर्ग लोगों की, उसके पक्ष में तर्क दिया जाता है कि ये लंबे काले रंग का कोट पहनते हैं और जिसकी कमर के यहाँ कशीदे का काम किया हुआ होता है, कशीदाकारी की हुई होती है, ठीक है, कोडाउस लोगों के द्वारा नोन एज कुपिया. और इस वस्त्र को कुपिया के नाम से जाना जाता है. एक काला सा बड़ा सा कोट जिसकी कमर के यहाँ कशीदाकारी होती है जो कि कोडाउस के द्वारा पहना जाता है और इस वस्त्र को कुपिया नाम दिया गया. इट रिमेंबर द कुफिया वोन बाय द अरब एंड द कुर्द्स. तो ये बिल्कुल समान दिखाई पड़ता है उस कुफिया के जो कि अरब लोगों के द्वारा और कुर्द लोगों के द्वारा पहना जाता है. कॉर्गी होम्स हैव अ ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट न्यूमरस टेल्स ऑफ वैलोर. टेल्स ऑफ वैलोर मीन्स स्टोरीज ऑफ करेज एंड ब्रेवरी यूजली इन्वॉल्व. तो कुर्ग के लोगों के घरों में ये परंपरा है कि ये बहुत अच्छे से मेहमान नवाजी करते हैं. हॉस्पिटैलिटी का मतलब मेहमान नवाजी. एंड दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट न्यूमरस टेल्स ऑफ वैलोर. और
जो है इनकी तीव्र इच्छा होती है कि ये विभिन्न प्रकार की साहस और बहादुरी, युद्ध कला से संबंधित कहानियाँ जो है उनके बेटों को, रिलेटेड टू देयर सन्स एंड फादर्स, जो कि उनके पिता और पुत्रों से संबंधित थी, वो वीरता से भरी हुई कहानियाँ अपने बच्चों को सुनाते हैं। द कुक रेजिमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी। मोस्ट डेकोरेटेड मीन्स हैविंग रिसीव्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ अवार्ड्स फॉर ब्रेवरी इन वॉर। तो भारतीय सेना की जो कुर्ग रेजिमेंट है, इसको बहुत से पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी जनरल करियप्पा वाज ए कुर्गी। और भारतीय सेना के प्रथम जनरल जो थे करियप्पा, प्रथम सेना प्रमुख जनरल करियप्पा, वो कुर्गी थे। इवन नाउ कोडावोस आर द ओनली पीपल इन इंडिया परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट लाइसेंस। यहाँ तक कि आज भी कोडावोस लोग जो हैं वही केवल एकमात्र लोग हैं भारत में जिनको बिना किसी लाइसेंस के हथियार रखने की अनुमति भारत सरकार द्वारा मिली हुई है। द कावेरी रिवर ऑब्टेन्स इज वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग। कावेरी नदी को अपना पानी प्राप्त होता है कुर्ग के जंगलों से और उसकी पहाड़ियों से। महासीर ए लार्ज फ्रेश वाटर फिश अबाउंड इन दीज वाटर्स। महासीर एक बड़ी ताज़ा पानी में पाई जाने वाली, मीठे पानी में पाई जाने वाली मछली है जो बहुतायत में इस नदी के पानी में, कावेरी नदी के पानी में पाई जाती है। किंगफिशर्स डाइव फॉर देयर कैच। किंगफिशर मछलियों को पकड़ने के लिए इस नदी में गोता लगाता है। किंगफिशर इट्स ए काइंड ऑफ बर्ड। व्हाइल स्क्विरल्स एंड लंगूर्स ड्रॉप पार्शली ईटन फ्रूट फॉर द मिसशीफ्स ऑफ एंजॉयिंग द स्प्लैश एंड द रिपल इफेक्ट इन क्लियर वाटर। जबकि गिलहरियाँ और लंगूर बंदर जो है वो अपने द्वारा खाए गए फलों को नदी के पानी में शरारतपूर्वक गिराते हैं, जिससे कि पानी को उछलते हुए देखने का और पानी में पड़ने वाली गोल गोल भंवरों का प्रभाव इस नदी के बहते साफ पानी में वो देख सकें। एलिफेंट्स एंजॉय बीइंग बाथ एंड स्क्रब इन द रिवर बाय द माउस। ठीक है, हाथी इस नदी के जल में, कावेरी नदी के पानी में स्नान का आनंद लेते हैं और महावत के द्वारा उनके शरीर को रगड़ रगड़ कर उनको नहलाया जाता है। ठीक है, द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल्स बिकम कन्वर्ट टू द लाइफ ऑफ हाई एनर्जी एडवेंचर्स विद रिवर राफ्टिंग। यू नो राफ्टिंग, ट्रेवलिंग इन ए रिवर इन ए राफ्ट, ए फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म मेड बाय टाइंग प्लैंक्स टूगेदर। सबसे जो है सबसे ज़्यादा अधिक बहादुरीपूर्वक कार्य जो इनके द्वारा किया जाता है व्यक्ति विशेष के द्वारा, वो इनके जीवन को एक उच्च ऊर्जा स्रोत के रूप में और अत्यधिक ऊर्जावान साहसिक कार्य करने के रूप में प्रेरित करता है। जैसे रिवर राफ्टिंग, जिसमें लकड़ी के फट्टों को बांधकर पानी में जो है यात्रा की जाती है। कैनोइंग, ट्रैवलिंग इन एयर इन ए लार्ज नैरो बोट। रैपलिंग, गोइंग डाउन ए क्लिफ बाय स्लाइडिंग डाउन ए रोप। ठीक है, मतलब रस्सी के ऊपर किसी ऊंचे टीले से फिसलते हुए रैपलिंग की जाती है। रॉक क्लाइंबिंग, चट्टानों पर चढ़ने की।
and mountaineering, mountain biking, और पहाड़ी क्षेत्रों में बाइक चलाने के अभ्यास भी इनके द्वारा किया जाए. Numerous walking trails in this region are a favorite with trekkers. Walking trails, path created by walking. बहुत से पगडंडी वाले रास्ते इस क्षेत्र में वो माउंटेन क्लाइंबर्स के लिए ट्रैकिंग पे जो पहाड़ों पर चढ़ने रस्सी की सहायता से जो अभियान किया जाता है वो यहाँ के लोगों का एक प्रिय शौक के रूप में है. Birds, bees and butterflies are there to give you company. तो वहाँ पर विभिन्न प्रकार के पक्षी, मधुमक्खी और तितलियाँ ऐसे वन्य जीव हैं जो वहाँ आपको अपनी संगत उपलब्ध कराते हैं. Macaws, malabar squirrels, langurs and slender lorries keeps a watchful eye from the tree canopy. Right? Canopy here means, you know, roof like covering that forms shelter. ठीक है. तो macaws एक विशेष प्रकार का लंगूर, मालाबार स्क्विरल्स मालाबार क्षेत्र में पाए जाने वाली गिलहरियाँ, लंगूर और स्लेंडर लॉरीज जो है वो आपके ऊपर निगरानी रखते हैं अपने पेड़ पर छुपने के स्थान से. आई डू हाउएवर प्रेफर टू स्टेप असाइड फॉर वाइल्ड एनिमल वाइल्ड एलिफेंट्स. नरेटर यहाँ पर कह रहा है कि वो एक तरफ कदम रखना ज़्यादा उचित मानता है जंगली हाथियों से बचने के लिए. ठीक है, बच के रहना. द क्लाइम टू द ब्रह्मागिरी हिल्स ब्रिंग यू ए पैनोरामिक व्यू ऑफ द एंटायर मिस्टी लैंडस्केप ऑफ कुर्ग. पैनोरामिक व्यू मीन्स ए व्यू ऑफ ए वाइड एरिया ऑफ लैंड. जब आप ब्रह्मागिरी पहाड़ियों की चढ़ाई करते हैं तो आपको एक विस्तृत क्षेत्र का दृश्य संपूर्ण मिस्टी यानी कि धुंध भरा जो है एक परिप्रेक्ष्य यहाँ पर नज़र आता है ब्रह्मागिरी की पहाड़ियों पर चढ़ने के बाद जो कि कुर्ग इलाके में स्थित है. ए वॉक अक्रॉस द रॉक ब्रिज लीड्स टू द 64 एकर आइलैंड ऑफ निसार गदम्मा. ओके, एक वॉक अक्रॉस द रॉक ब्रिज एक रस्सी से बने हुए पुल के ऊपर चलना अपने आप में जो कि 64 एकर लैंड्स ऑफ निसार गदमा जो कि लगभग 64 एकड़ का द्वीप यहाँ पर है निसार गदमा में. रनिंग इनटू ए बुद्धिस्ट मॉन्क फ्रॉम इंडिया लार्जेस्ट तिब्बतियन सेटलमेंट. तो आगे जाकर एक बौद्ध धर्म के लोगों का वहाँ पर मठ बना हुआ है जो कि भारत में सबसे बड़ा तिब्बत निवासियों की बस्ती के रूप में. एट नियर बाय बाय लेक लेक रूप लेकुपू इज ए बोनस. और नज़दीक स्थित एक झील जो है वो विशिष्ट छवि प्रस्तुत करती है. द मॉन्क्स इन रेड ऑर्चिड ऑर्चिड मीन्स लाइट ऑरेंज इन कलर राइट आर अमोंग्स द मैनी सरप्राइजेज दैट वेट टू बी डिस्कवर्ड बाय विजिटर्स सर्चिंग फॉर द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया राइट हेयर इन कुर्ग. ओके, यहाँ रहने वाले बौद्ध भिक्षु जो कि लाल और हल्के ऑरेंज यानी कि नारंगी रंग के और
पीले रंग के वस्त्र पहने होते हैं, एंड अमोंग द मैनी सरप्राइजेज, और इसी प्रकार के विभिन्न आश्चर्य दैट वेट टू बी डिस्कवर्ड, जिनकी यहाँ आने वाले विजिटर्स को खोजने की तलाश होती है, फॉर द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया राइट हियर इन कुर्ग। तो भारत के इस इलाके में स्थित जो कुर्ग क्षेत्र है, वो यहाँ आने वाले दर्शकों के दिलों में और भारत की अंतरात्मा में एक विशिष्ट स्थान जो है वो रखता है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस इंटरेस्टिंग चैप्टर। नाउ इन माय नेक्स्ट रिकॉर्डिंग आई विल टेक द थर्ड पार्ट, टी फ्रॉम आसाम। ओके, थैंक यू ऑल, पे अटेंशन व्हाटएवर आई हैव टॉट।